हाय फ्रेंड्स, दिस इज विजय श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग विजय श्रीवास्तव व्लॉग्स। आज मैं परवेज जी के पास आया हूँ और इनका खाना काफ़ी यहाँ पे फेमस है, लोग स्पेशली आते हैं और मैंने देखा है कि रेगुलर इनके पास खाने के लिए आते हैं। परवेज अग्रवाल, माखनपुरम से आता हूँ, मैरोली में, मैरोली माखनपुरम से, और यहाँ पे करीब 3 साल से खड़ा हो रहा हूँ। मैं यहाँ पे शॉप न होने के कारण ये काम मैंने चालू किया था और मैं छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, रोटी, रायता, चटनी, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी मेरे पास आइटम होती हैं और हाइजीनिक, पूरी तरह से हाइजीनिक खाना है। इसमें 3 रेट हैं, 1 30 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये। तो मैं तो बताऊँ, हाफ प्लेट के अंदर एक आम कस्टमर का पेट भर जाता है। मैं सेल्समैन हूँ, ऐसे ऐसा एक फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। हम लोग यहाँ पर 4 टाइम आते हैं हफ्ते में और जो हम पैसा यहाँ पर देते हैं, आप प्लेट 40 रुपीज़ की है, 40 रुपीज़ में हम पेट भर खाना खाते हैं, मतलब कभी कभी बच भी जाता है। तो रीजनेबल प्राइस है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट है। साथी नगर से हूँ, गाजियाबाद, यहाँ पर खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं भैया, गाड़ी में भेजते हैं वैन में, और इससे बढ़िया तो स्वाद है ही नहीं। राजमा चावल हो गए, रोटी हो गया, और कहते हैं और भी छोले चावल हो गए, कढ़ी हो गई, और बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। तो हर समय मैं कहता हूँ और आप लोग भी मुझसे कहते हैं कि मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ वहाँ पे कहता हूँ कि बहुत अच्छा खाना है। आप भी सोचिएगा कि जब तक मैं अगर उसे टेस्ट नहीं करूँगा तो आप लोग को कैसे रिकमेंड करूँगा कि खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा खाना टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ ही मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर कोई खाना टेस्टी नहीं बनाता, घर जैसा माहौल का खाना नहीं बनाता, या आपको खाने के बाद आपको ये लगे कि विजय श्रीवास्तव ब्लॉग्स के थ्रू आप गलत आ गए, तो उससे बेटर है कि मैं टेस्ट करके आपको पहले ही बता दूं कि वाकई जो मैं बोल रहा हूं सही बात है। तो आज मैं इसको टेस्ट करता हूं और देखता हूं कि ये कैसा खाना बनाते हैं। मैं इनका पहले कढ़ी इन्होंने बनाया हुआ है, कढ़ी इनका आप घर का खाइए और इनकी खाना खाइए, दोनों आपको एक जैसा लगेगा, हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा लगे। दूसरा एक है कि छोले अभी भी मैंने खाया, देखिए छोले भी बहुत बढ़िया है। तो कढ़ी हो गया, छोले हो गया, राइस है इनका और उसके साथ ये चटनी देते हैं, तो मैं तो देखिए सेटिस्फाई हूँ। आप लोग आइए और यहाँ का खाना खाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस यहाँ पे आइए। और ये शास्त्री नगर के सामने ही इनका जो है कार लगाते हैं, ये मारुति वैन है वाइट कलर की, बिल्कुल चौराहे के सामने ही है। तो आइए खाना खा के देखिए, अगर अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि विजय श्रीवास्तव ब्लॉग के थ्रू आप लोग यहाँ तक आए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार जरूर आइए और खाना जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। इनके पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इनके पास कोई अपनी शॉप नहीं है जिस पे ये वहाँ पे लोगों को खाना करे या उसको सर्व करे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल घर के तरीके का खाना बनाते हैं और घर से खाना बना के लाते हैं, लोगों को यहाँ पे सर्व करते हैं। एक इनके पास पुरानी मारुति है, इस मारुति में ही ये अपना खाना पूरा रखते हैं और लोगों को सर्व करते हैं। तो एक बार आइए आप लोग और यहाँ के परवेज जी का खाना, इनके घर का खाना, हाथ का खाने को एक बार टेस्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको खाना, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।